हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हेरिटेज कॉलेज ने एमटेक के लिए आपका नोटिस जारी किया है, एडमिशन फीस से रिलेटेड एंड कितने सीट्स अवेलेबल है, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपका इंस्टीट्यूट का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद देखिए, यहाँ पर 6 स्ट्रीम है एमटेक के लिए, ओके। जहाँ पर आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो कि VLSI से है। इसके बाद रीन्यूएबल एनर्जी, ये सारे के लिए जो है 18 करके सीट्स आपके अवेलेबल हैं, ठीक है, ये सभी स्ट्रीम के। अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए मैं फ़ीस से रिलेटेड आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, फ़ीस जो है आपका ट्यूशन फीस जो है सिर्फ अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए 50,000 है ट्यूशन फीस। अदरवाइज रिमेनिंग जितने भी है आपका बायोटेक्नोलॉजी, CSE, ECE, VLSI, RE, ये सारे के लिए आपका 60,000 करके ट्यूशन फीस पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आपको रजिस्ट्रेशन फीस जो है 500 देना पड़ेगा एंड एडमिशन फीस 10,000 है, ये सभी स्ट्रीम के लिए है। इसके बाद जो है सेमेस्टर एग्जामिनेशन फीस जो है वो सेमेस्टर में देना पड़ेगा, वो आपको 1200 करके, ठीक है, 1200। एंड इसके अलावा आप देखिए, यहाँ पर लाइब्रेरी फीस 2000 है। एंड फिर आपका देखिए वेलफेयर, स्टूडेंट्स वेलफेयर एंड गेम्स स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए 2000 आपको पेड करना पड़ेगा। रिफंडेबल जो कॉशन मनी होता है वो आपका 15,000 तक आपको पेड करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आप, डेवलपमेंट फीस पेबल टू मकाउ फॉर्मली WBUT 5। अच्छा, यहाँ पर देखिए 1,100 रुपया जो है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स डेवलपमेंट के लिए एक बार ही देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप ईयरली देखिए तो इसको 550 रुपये करके देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, आपका एडमिशन किट के लिए जो है 1000 देना पड़ेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए 81,100 खर्चा हो रहा है, ठीक है। एंड रिमेनिंग जो ब्रांच है, स्ट्रीम्स है, उसके लिए 91,100। अब देखिए, इसके बाद जो है सेमेस्टर 2 से 4 तक का जो आपका फीस है वो 50,000 रहेगा आपका अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का, एंड 60,000 जो है रिमेनिंग जितने भी आपके हैं बायोटेक्नोलॉजी, CSE, ECE, VLSI, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब के लिए आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ओके। इसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पर देख देते हैं यहाँ पर क्या है और नोटिफिकेशन दिया हुआ। देखिए, ये पेमेंट जो है आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या तो डिमांड ड्राफ्ट या बैंक के चेक या पे ऑर्डर, ये सारी चीज़ से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर देखो, हॉस्टल फैसिलिटी जो है दिया हुआ है ऑफ ऑन कैंपस के लिए। हॉस्टल एकोमोडेशन के लिए जो 5,000 देना पड़ेगा आपको पर मंथ, जो कि सीट रेंट के है। एंड इसके अलावा 10,000 आपको रिफंडेबल कॉशन डिपॉजिट देना पड़ेगा, ये सिर्फ हॉस्टल कैंडिडेट के लिए जो हॉस्टल अवेल करना चाहते हैं। इसके बाद देखिए, ये सारे आपके डिटेल्स दिया हुआ है वो एड्रेस से रिलेटेड। अब देखिए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या है एमटेक में एडमिशन के लिए। यहाँ पर सबसे पहले तो आपका जो आपने आपका सेल्फ अलॉटमेंट लेटर जो है, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड, उसमें आपका लगेगा अटेस्टेड का नाम, उसके साथ मनी रिसीट जो है, इसके अलावा जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट का कॉपी लगेगा, वहाँ भी सेल्फ अटेस्ट, यहाँ पर सारे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सब में आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। इसके अलावा एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, इसके बाद आपका है गेट स्कोर कार्ड, एज प्रूफ सर्टिफिकेट, 10th एंड का एंड 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन मार्कशीट, फिर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है ओरिजिनल, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आई सर्टिफिकेट जो है, कलर ब्लाइंडनेस कोई इशू है कि नहीं, ये सारी चीज़ देखने को यहाँ पर देना पड़ेगा आपको, ओके। यहाँ पर उसके बाद देखिए, 3 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ आपका लगेगा, आधार कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग ऑफ इच स्टूडेंट एवरी पेरेंट शुड बी मेड ऑनलाइन। यहाँ पर देखिए, एंटी रैगिंग का एक फॉर्म भी फिलअप आपको करवाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप रैगिंग वैगिंग करते हैं तो आपको उससे पेनल्टी कुछ देना पड़ेगा, ऐसा कुछ रूल्स होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको कैसे लगा, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे शेयर करिए और कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। अब वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।